वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं वरुण धवन के बारे में। जी हाँ, जैसे कि हम जानते हैं कि वरुण धवन एक बॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर हैं। उन्होंने भी अपनी जबान खोली है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट प्रोटेस्ट को लेकर के, डायरेक्टली तो नहीं लेकिन हाँ दीपिका पादुकोणे का सहारा लेते हुए। जैसे कि हम सबको पता है दीपिका गई थी जेएनयू और जेएनयू में जो कुछ भी हुआ था उसमें उन्होंने कंडेम करा, वहां खड़ी हुई, उन्होंने कुछ बोला नहीं, लेकिन उसी पे ट्विटर पे ये हल्ला हो गया कि उनकी पिक्चर को बॉयकॉट करना चाहिए। तो ये जो बॉयकॉट लव्स है जिसकी वजह से हर बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब डरते हैं इस लव से, क्योंकि उनको अपना नुकसान नहीं चाहिए। अपनी बात को आगे रखते हुए इन्होंने ये भी कहा कि यही वजह हो सकती है कि लोग सामने निकल करके नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि अगर उन्होंने कहा तो उनका कुछ नुकसान हो जाएगा। चलिए सुनते हैं उनकी वो वीडियो जिसमें उन्होंने ये खुद कहा है। मेरी फिल्म है दिलवाले विच आई डन विद शाहरुख सर, उस वक्त भी बॉयकॉट वर्ड यूज हुआ था। पद्मावत फिल्म है, उसको भी लेके बॉयकॉट वर्ड यूज हुआ था। सो ये पहले तो ये डराने के टैक्टिक्स होते हैं। माई नेम इज खान, आई वॉज असिस्टेंट ऑन दैट फिल्म, करण जौहर की फिल्म है, उसको भी बॉयकॉट करने का एक मतलब फैल गया था ये। आई थिंक बहुत ईजी होता है क्योंकि हम लोग एक पब्लिक प्रोफेशन में है, सो दे वॉन्ट टू हिट अस वेयर इट हर्ट्स, यू नो, यार इसको बॉयकॉट कर लो, इसका चलो ये बोल रहा है इसको बॉयकॉट कर दो। ये मतलब दूसरे बिजनेसेस के साथ नहीं होता है ये, दूसरे तो इसलिए शायद इसलिए वो लोग बोल रहे नहीं है कुछ। दैट्स वाई ये जो इतने बड़े पावरफुल इंडस्ट्रियलिस्ट है दे डोंट टॉक बिकॉज दे डोंट वांट टू हर्ट देयर बिजनेस। तो जैसे कि आपने देखा और सुना वरुण धवन को कहते हुए कि कैसे लोगों को दबाया जाता है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनको डराया जाता है, जिस वजह से लोग बाहर निकल करके इस मामले में नहीं बोलते हैं। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखें, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि लोग नहीं जानते इस मामले में। इतना बड़ा हो रहा है ये प्रोटेस्ट पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में सब जान चुके हैं, तो क्या बॉलीवुड एक्टर को खबर नहीं होगी? तो ये सिर्फ डर है जो उनके दिलों में है, और वो डर बीजेपी पार्टी का है, होंडा राज का है। कमेंट करके बताएं आपको क्या लगता है इस वीडियो से। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।